हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजश्री भरवाड़ा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये ड्रमस्टिक लिए हैं जिसको मैंने बॉईल किया है, वो बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बहुत नहीं बॉईल करना है कि इसके पूरे थ्रेड अलग हो जाए। मैंने बेसन लिया है, दही लिया है, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक और लहसुन। मैंने लहसुन बारीक काट के लिया है उसका लास्ट में तड़का देने के लिए। अगर आपको तड़का नहीं देना है तो आप लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये ड्रमस्टिक की बेसन वाली सब्जी। तेल गरम होने पे उसके अंदर मैं अजवाइन डालूंगी। मैंने 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन डाली है। अजवाइन थोड़ी सी गर्म होगी उसके बाद हम गैस को स्लो कर देंगे। उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद, बाली वाले जो ड्रमस्टिक रखे हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से हम उबलने देंगे। स्वाद अनुसार उसमें नमक डालूंगी, धनिया जीरा पाउडर, अब इसे हम 5-10 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। तब तक हम इसमें डालने के लिए एक बेसन का घोल बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, आप दही या छाछ दोनों ले सकते हैं। ये हमें नॉर्मल ही दही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। जितना दही है उतना ही मैंने बेसन लिया है। अब मैं उसके अंदर 1 बाउल पानी डाल दूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड मिक्सी से भी कर सकते हैं। या तो आप ये विस्क से करिए या तो हैंड मिक्सी से करिए। बस इसके अंदर हमारी कोई भी बेसन की गठान नहीं रहनी चाहिए और अच्छे से एक स्मूथ बैटर बन जाए उतना हमें इसको फेंटना है। तड़का नहीं देना है तो आप बघार में, जब मैं हल्दी लाल मिर्च डालती हूँ उस समय 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डाल दीजिए। अभी हम ड्रमस्टिक को चेक करेंगे कि वो सॉफ्ट हो गई है क्या। ये हमारी दबरई बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, हमने पहले ही इसे 60% उबाल लिया था तो ये तुरंत हमारी सॉफ्ट हो गई है। हम इसे इसलिए उबालते हैं कि मसाले का फ्लेवर हमारे ड्रमस्टिक के अंदर आ जाए तो जब हम ड्रमस्टिक खाते हैं तो वो भी टेस्टी लगे। इसके लिए हम इसे इस तरह से ग्रेवी में 5 मिनट उबालते हैं। उसके बाद ये बेसन का घोल इसमें ऐड कर देंगे। अब उसे हम कंटिन्यू हिलाएंगे क्योंकि नहीं तो ये बेसन नीचे चिपकने लगेगा। और हिलाने के टाइम पे ऐसी फ्लैट चम्मच लेंगे और इस तरह से इसे हिलाएंगे। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिसके कारण हमारा बेसन बहुत अच्छे से पक जाए। टोटल हम अगर दही है तो 2 बाउल पानी डाल रहे हैं और अगर छाछ है तो हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, छाछ लेंगे और 1 बाउल पानी डालेंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे जब उसके तेल के अंदर बबल्स फूटने लगते हैं तब तक हम इसे पकने देंगे तो हमारा बेसन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और ड्रमस्टिक के अंदर पूरा टेस्ट उतर जाएगा और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। ये सब्जी हमारी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। ये बहुत इंस्टेंट और टेस्टी सब्जी है। नॉर्मली हम बेसन तो बहुत खाते हैं जवारी की रोटी के साथ, पर ये ड्रमस्टिक वाला बेसन बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इसे इस टाइप से बना सकते हैं। अब जब
इनके अंदर ऐसे बबल्स फूट रहे हैं, तब हम गैस को स्लो कर देंगे क्योंकि हमारे इसके छोटे छोटे बबल्स उड़ के हमारे गैस को पूरा गंदा कर देता है, चारों तरफ से हमारा बाउल भी गंदा हो जाता है। इसके लिए हम इसे स्लो टेम्परेचर पे पकाएंगे। और इसकी एक वजह ये भी है, इसका एक रीजन ये भी है कि ये बहुत अच्छे से ऊपर तेल की लेयर आ जाती है अगर हम स्लो पे पकाते हैं तो। अब ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी इस टाइप की रखी है ग्रेवी वाली, जिसको हम चावल या तो रोटी दोनों में खा सकते हैं। आपको अगर थोड़ा ड्राई करना है तो आप इसे और एक दो मिनट उबालिए तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। वन टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल लिया है उसके अंदर जीरा डाला, थोड़ी सी राई डाली और ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है मैंने। गैस को बंद कर दिया है, उसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, उसे अच्छे से मिक्स करके मैं वो तड़का इसके ऊपर डाल दूंगी। ये हमारी ड्रमस्टिक की बेसन वाली सब्जी रेडी है। इसे आप जवारी के रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।